भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से पुणे से 70 किलोमीटर दूर बसा एक गांव जमींदोज हो गया। इस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 150 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। राहत बचाव टीम ने 5 लोगों को बचा लिया है। भारी बारिश के चलते पहाड़ की तलहटी में बसा मलिन गांव भूस्खलन से तबाह हो गया। गांव में बने कई 40 से 50 घर इसकी चपेट में आ गए। मौके पर JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। NDRF की टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। ये तस्वीरें गवाह हैं एक गांव की तबाही की। पहाड़ की तलहटी में बसा एक गांव जो देखते ही देखते कुदरत के कहर का शिकार हो गया। लगातार हो रही बारिश ने पुणे से 70 किलोमीटर दूर बसे मलिन गांव की तस्वीर ही बदल दी। भारी बारिश के चलते चट्टाने खिसकी और गांव के 40 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। एक झटके में 40 के 40 घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और पानी और चट्टान के साथ बहकर आई टनों मिट्टी के नीचे दफन हो गए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से पहाड़ की ऊंचाई की तरफ से मिट्टी और चट्टान बहकर गांव की तरफ बढ़ा। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग दब गए, जिनमें से कईयों के मारे जाने की खबर है। वहां पे पूरी जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। अर्थ मूविंग मशीनरी वहां पे लाई गई है और पर्याप्त मात्रा में मदद करने के लिए पुलिस कर्मी और प्रशासन के कर्मी वहां पे उपस्थित हैं। भयानक हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में हादसे की जगह NDRF की 7 टीमों को रवाना कर दिया गया। कई एम्बुलेंस भी मलिन गांव की तरफ दौड़ पड़ी। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि मलिन गांव में हालात किस कदर बदतर हैं। वहां पहुंचे दल ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया और 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। भारी बारिश से सड़कों का हाल बुरा है, ऐसे में राहत के काम में मुश्किल आ रही है। यानी सड़कें उस इलाके में काफ़ी पानी गिरा हुआ है और पानी गिरने से कच्चे पहाड़ थे जो मिट्टी हैं, तो जिस तरह से मूवमेंट है रोड की वो इतनी आसान नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है वहाँ पे मौके पे स्पॉट पे पहुँचने में। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स ये सभी मिलकर के राहत का काम करेंगी। संवेदना है जिनका घर टूटा, जिनकी यहाँ मौत हुई, लेकिन साथ साथ बारिश के मौसम में इस प्रकार की घटनाओं की सूचना मिलती रहती है। गांव के जमींदोज होने की खबर से महाराष्ट्र से लेकर केंद्र सरकार तक हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और डिप्टी CM अजित पवार तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। केंद्र सरकार ने भी मलिन गांव में राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। दिनेश मौर्य, पुणे IBN 7।